नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रीजनल IAS। आर पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस की हमारी सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम प्लेटो के बारे में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं सब कुछ। एरिस्टोटल के बारे में हम इंट्रोडक्शन लेक्चर दे चुके हैं आपको सबसे पहले, जिससे आपको उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। उसके बाद हमने एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप भी कम्प्लीट कर ली है। आपने अगर ये सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाके जो है प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं ये सारे वीडियोज़। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ स्लेवरी। जो दास थे, दास लोग हुआ करते थे, उनके ऊपर जो थ्योरी थी एरिस्टोटल की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, थ्योरी ऑफ स्लेवरी डिस्कस करने से पहले कुछ चीज़ें मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ आपको। देखिए, ग्रीक टाइम में स्लेवरी जो है डोमिनेंट थी, स्लेवरी का दबदबा था, जिसे नेचुरल माना जाता था। इसलिए एरिस्टोटल भी स्लेवरी को सही मानता है, समझ रहे हैं। उसके पीछे वो अपनी एक्सप्लेनेशन भी देता है, उसके पीछे वो अपने तर्क वितर्क भी देता है। वो कहता है कि मैं स्लेवरी को जो है सही इसलिए मानता हूँ क्योंकि स्लेवरी यूजफुल है और नेचुरल है। वो कहता है कि जो मास्टर्स हैं, मास्टर्स मतलब समझ रहे हैं, जिनके अंदर रीजन डोमिनेट करता है। गाइज, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पीछे के वीडियो सारे देखें, क्योंकि इसमें जो कुछ टर्मिनोलॉजी यूज होंगी ना, मैं भी कभी कभार भूल जाता हूं उनको दोबारा से एक्सप्लेन करने में, क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुका हूं पिछले वीडियोज़ में। तो जैसे कि रीजन का डोमिनेट करना और करेज का डोमिनेट करना और एपिटाइट का डोमिनेट करना, इन तीनों कैटेगरी के हिसाब से लोगों को किस तरह से जो है एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट किया गया है ये स्कॉलर्स के द्वारा, वो आपको समझने के लिए ना पीछे के वीडियो देखने पड़ेंगे। आप कंटिन्यूटी सीरीज़ में देखिए वीडियोस, आपकी सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो चलिए, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये देख लिए होंगे। ठीक है, तो वो कहता है कि जो मास्टर्स होते हैं, मतलब ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर रीजन डोमिनेट करता है, उनके पास सबसे ज़्यादा रीजन होता है, नो डाउट। ठीक है, लेकिन स्लेव्स के पास एपिटाइट डोमिनेट करता है। इसका मतलब, अगर मास्टर के कुछ काम, समझिएगा, मतलब मास्टर जिसके अंदर रीजन डोमिनेट करता है, जो सबसे ऊपर है, उसके कुछ काम अगर स्लेव्स के द्वारा किए जाते हैं तो मास्टर का कुछ समय बचेगा ना, क्योंकि अगर उस काम को मास्टर करता तो मास्टर का समय जाता। अब अगर उस मास्टर के कुछ काम को स्लेव के द्वारा किया जा रहा है तो मास्टर का कुछ समय बच रहा है, समझना। तो समय बच रहा है मतलब मास्टर उस समय का यूज जो है और अच्छे काम के लिए कर सकता है, स्टेट अफेयर्स के लिए, समझ रहे हैं, जिससे उस समय को वो स्टेट अफेयर्स में लगाएगा, जिससे स्टेट की एफिशिएंसी बढ़ेगी। इसलिए स्लेवरी अच्छी है, वो कहते हैं ना, इसलिए दाग अच्छे हैं सर्फ एक्सल, इसलिए स्लेवरी अच्छी है, एरिस्टोटल कहता है। तो इसलिए स्लेवरी दोनों मास्टर और स्लेव्स दोनों के लिए फायदेमंद है, ऐसा एरिस्टोटल कहते हैं। क्यों? क्योंकि स्लेव्स की वजह से मास्टर का समय बचा और स्लेव्स बिना रीजन के वजह से वो अपने हिसाब से सही काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एरिस्टोटल ने ये भी कहा है कि आप जो है मास्टर से कहा है एरिस्टोटल ने कि मास्टर आप जो है स्लेव्स को मौका दो कुछ सीखने का, अगर ये सही से सीख जाते हैं, ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, तो इन्हें स्लेवरी की कैटेगरी से हटा दो, ये भी अच्छी बात है। ठीक है, तो एंशियंट ग्रीस में ये स्लेवरी काफ़ी समय से चली आ रही थी और एक टाइप का इंस्टीट्यूशन बन गई थी। स्लेव्स दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्लेव्स बाई लॉ, कानूनी तौर पर स्लेव्स बनाना, दूसरा होता है स्लेव्स बाई नेचर। तो ध्यान रखिएगा, जिनका जन्म ही पुअर गरीबी में हुआ है और बुद्धि का कम विकास के साथ हुआ है, उनके अंदर एपिटाइट होती है, वो नेचुरल स्लेव्स हो गए। और किसी राज्य को हराकर वहाँ के लोगों को स्लेव्स बना लेना, वो स्लेव्स बाई लॉ हो गए। तो यहाँ पे एरिस्टोटल की जो स्लेवरी की थ्योरी है वो स्लेव्स बाई नेचर के लिए है, ना कि स्लेव्स बाई लॉ के लिए, ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि एरिस्टोटल की थ्योरी में क्या कहते हैं। देखिए, स्लेवरी इज नेचुरल एंड यूजफुल, डिस्कस किया हमने अच्छे से। स्लेवरी वाज इन प्रैक्टिकल इन एंशियंट ग्रीस में जो है प्रैक्टिस थी, ये स्लेवरी प्रैक्टिस होती थी। एरिस्टोटल हैज जस्टिफाइड स्लेवरी, एरिस्टोटल्स जस्टिफिकेशन इज अबाउट नेचुरल स्लेव्स रादर देन लीगल स्लेव्स, और ये भी हमने डिस्कस किया। एरिस्टोटल
कि जो स्लेवरी है वो नेचुरल है ना कि लीगल। और हूबर लीगल स्लेव्स कैसे पता लगेगा भैया कि कौन लीगल है, तो प्रिजनर्स ऑफ बार वर स्लेव्स बाई लॉ, अगर युद्ध हुआ है तो वहाँ पे जो कैदी हैं वो जो है स्लेव्स बाई लॉ कैटेगरी में आएंगे, और जो टू नो हु आर स्लेव्स बाई नेचर वी नीड टू नो हु आर मास्टर्स बाई नेचर, तो जो नेचुरली स्लेव्स हैं वो नेचुरल लॉ में आ जाएंगे, ठीक है, स्लेव्स बाई नेचुरल। तो वाट आर द क्वालिटीज ऑफ मास्टर्स, मास्टर की क्वालिटीज क्या होंगी, देखिए उनके अंदर रीजन डोमिनेट करेगा, और करेज, तो इवन करेज इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ पर्सन लेक करेज ही विल नॉट टेक द डिसीजंस बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ द डिसीजन गोइंग रॉन्ग। अगर आदमी के अंदर करेज नहीं होगा तो वो सही से डिसीजन नहीं ले पाएगा, करेज भी जरूरी है रीजन भी। तो दीज आर सम पर्सन हु आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन अदर्स टू टेक डिसीजंस फॉर देम, हेंस दोज हु लेक रीजन एंड करेज, ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर रीजन नहीं होता, करेज नहीं होता, वो स्लेव्स होते हैं बाई नेचर, और ये व्यक्ति जो है स्लेव्स जो है हमेशा दूसरे पर डिपेंड रहते हैं डिसीजन लेने के लिए। सच पर्सन आर नॉट इवन मास्टर्स ऑफ देयर सेल्फ, वो अपने आपके खुद के मास्टर नहीं होते, दूसरे के क्या होंगे। एरिस्टोटल सजेस्ट दैट नेचर हैज क्रिएटेड टू टाइप ऑफ पर्सन, दोज हु आर फिजिकली स्ट्रांग और दोज हु आर मेंटली स्ट्रांग। एरिस्टोटल कहते हैं कि जो प्रकृति है उसने दो प्रकार के व्यक्ति बनाए हैं, एक व्यक्ति ऐसा है जो फिजिकली स्ट्रांग है, एक व्यक्ति ऐसा है जो मेंटली स्ट्रांग है। दोज हु आर फिजिकली स्ट्रांग शुड इन्वॉल्व देम सेल्फ इन द टास्क ऑफ प्रोडक्शन एंड दोज हु आर मेंटली स्ट्रांग इन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट, जो जो है फिजिकली स्ट्रांग है वो प्रोडक्शन में जो है अपनी भूमिका निभाएं, और जो मेंटली स्ट्रांग है वो स्टेट अफेयर्स में अपनी भूमिका निभाएं। स्लेवरी की यूटिलिटी क्या है मैंने डिस्कस की, मास्टर्स के लिए यूजफुल है, अगर स्लेवरी मास्टर्स का कुछ काम करेगा तो मास्टर का कुछ समय बचेगा और मास्टर उस बचे हुए समय को स्टेट अफेयर्स में यूटिलाइज करेगा जिससे स्टेट की एफिशिएंसी बढ़ेगी, ठीक है, ये हमने डिस्कस किया। और स्लेव्स के लिए अच्छा कैसे है, इट इज़ नेसेसिटी फॉर अ स्लेव बिकॉज ही डज नॉट हैव अ रीजन, भाई उसके पास रीजन तो होता नहीं है तो उसके लिए यही काम बचता है, अच्छा है ये काम करेगा, ही विल रिक्वायर समवन एल्स टू गाइड हिम। और इन द कंपनी ऑफ अ गुड मास्टर स्लेव कैन डेवलप वर्च्यू, इफ स्लेव डेवलप वर्च्यू ऑफ रीजन एंड करेज मास्टर शुड सेट हिम फ्री। और जैसे कि एरिस्टोटल ने कहा कि भाई अच्छे मास्टर जो है अच्छी चीज़ें सिखाए, अच्छी वर्च्यू सिखाए स्लेव्स को, और जब वो है उसके अंदर रीजन और करेज आ जाए तो आप जो है स्लेव को फ्री कर दो, मास्टर से कहा है एरिस्टोटल ने कि आप स्लेव को फ्री कर दो। क्रिटिसिज्म किस हिसाब से होता है भैया, एरिस्टोटल हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर अ जस्टिफाइंग स्लेवरी इन द एज ऑफ ह्यूमन राइट्स, ही कैन नॉट जस्टिफाई द इंस्टीट्यूशंस लाइक स्लेवरी हाउ सो एवर यूजफुल इट इज। देखिए एरिस्टोटल स्लेव्स इकोनॉमी का भला करते हैं, ये तो पॉजिटिव पॉइंट हो गया भैया, काम करते हैं प्रोडक्शन में हाथ बटाते हैं, स्लेव्स मास्टर का भी समय बचाता है, ये भी पॉजिटिव पॉइंट हो गया, स्लेव में अच्छे गुण सिखाओ ये भी कहा है एरिस्टोटल ने मास्टर से। और जो है जब इनके स्लेव्स के अंदर रीजन और करेज खूब मात्रा में आ जाए, डोमिनेंट कर जाए, तो आप इनको फ्री कर दो स्लेव्स को, ठीक है, अच्छे गुण जब आ जाए। निगेटिव पॉइंट क्या है कि इमैनुअल कांत हैं, फादर ऑफ फिलोसफी कहते हैं इनको, इन्होंने जो है वेस्टर्न प्लस ईस्टर्न को कंबाइन करके फिलोसफी दी थी मॉडर्न टाइम में। कांत क्या बोलते हैं कि स्लेवरी जो है डिग्निटी के अगेंस्ट है, कांत कहते हैं कि भाई ये ह्यूमन डिग्निटी के अगेंस्ट है स्लेवरी, ऐसा थोड़ी ना है किसी इंसान का यूज करके आप पर्टिकुलर गोल पर नहीं पहुंच सकते, आप उनको सीढ़ी समझ रहे हो अपने लक्ष्य को हासिल करने में, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुमने कैसे कह दिया कि उसके अंदर रीजन नहीं है, भाई इंसान कोई यूज एंड थ्रो वाली चीज नहीं है कि यूज किया और फेंक दिया, समझ रहे हैं। इस स्लेवरी के कॉन्सेप्ट को जो है ब्रिटिश में कॉलोनी बनाने के लिए भी यूज किया गया था और एक्सप्लॉयटेशन के लिए भी यूज किया गया था, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया थ्योरी ऑफ क्या, ये हमने डिस्कस किया जो है कि थ्योरी ऑफ स्लेवरी किसकी, एरिस्टोटल की, ठीक है।
तो इस वीडियो में हम इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।